से गर्दन को छूने लगती है तो आंखें भी पीछे मुड़ के देखने से इनकार कर देती है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियों को ताला लगा दो, टेलीफोन की घंटी बजने मत देना, क्योंकि अब आवाज एक दूसरी दुनिया से आने वाली है, जहां पे जाना मुश्किल ही नहीं, वापस आना नामुमकिन है। ये विमी जल्दी घर जाने वाली नहीं है, 12 बजे तक रुकेगी यहाँ पे। लोग भी प्रमोशन के लिए जाने क्या क्या करते हैं। बाय विमी। बाय। वैसे कब तक हो यहाँ पर? बस एक डेढ़ घंटा और। ओके। Thank you.
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा ऑफिस साफ करना पड़ता है। ये इतनी मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी? आप यहाँ से आई थी ना? हाँ, लेकिन मैं जब आई थी तो यहाँ कोई मिट्टी नहीं थी। फिर ये मिट्टी कहाँ से आई? ये मिट्टी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? लिफ्ट कैसे बंद हो गई? सिक्योरिटी क्या हुआ मैडम? सिक्योरिटी लिफ्ट बंद हो गई है और लाइट्स भी ऑफ हो गई है। क्या लिफ्ट बंद हो गई? मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। कौन से फ्लोर पे हैं? पांचवा माला नहीं, चौथे माले पे। प्लीज कुछ करो। आप घबराइए मत, हम लोग आ रहे हैं। कौन है?
वजह से। आवाज नहीं करने का। आज कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जैसी रोज होती है। इनकी तबीयत के बारे में पूछो। इनकी तबीयत तो ठीक ही हो रही है ना डॉक्टर? राघव, प्रिया का ठीक होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है ना। ठीक है, जैसा तुम समझो। हे प्रिया, ये तुम्हारे लिए। देखो, तुम इन लोगों की बात मत सुनना। ये लोग तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। एक बार जल्दी से तुम ठीक हो जाओ बस, फिर देखो कैसे क्लास लेता हूं मैं इन सबकी। अरे ये देखो, हरि काका है, हमारे लिए गरम गरम खाना लाया। काका यही लगा दीजिए, खाना टेबल पर ही खोल दीजिए। ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती है। तो फिर ये खाना किसके लिए लाया? तुम्हारे लिए। नहीं काका, गलत है। प्रिया, ये झूठ बोल रहे हैं। वो सुन नहीं सकते। इन्हें सब सुनाई देता है, सब समझती है। ये सांसें चल रही है इनकी। ये उठेगी एक दिन और सारी बातें मुझे सुनाएंगी, एक एक बात। और जो कुछ आप बोल रहे हैं ना, वो बातें भी। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी, मगर ऐसा होने वाला नहीं है बेटा। काका ये देखिए, ये देखिए आप, ये प्रिया की फोटो है, ये प्रिया की आत्मा है। प्रिया की आत्मा ने मुझे मौत के मुंह में से बचाया है काका, और मैं उस आत्मा को ढूंढ के ही रहूंगा। ये तो ऐसा लगता है किसी जानवर ने मारा है। यहाँ पे भी वही मिट्टी, वैसे ही घास फूस। एक के बाद एक पांच मौतें, दो दिनों में पांच मौतें। विम्मी तो कभी लिफ्ट में बैठती ही नहीं थी। क्यों नहीं बैठती थी वो लिफ्ट में? विम्मी को लिफ्ट से और बंद कमरों से बहुत डर लगता था, वो कभी भी नहीं जाती थी लिफ्ट में। फिर भी वो लिफ्ट के अंदर गई। चाहे 20वें माले तक क्यों ना जाना पड़े, वो हमेशा सीढ़ियों से चढ़ के ही जाती थी। तो फिर वो लिफ्ट में गई ही क्यों? जिसने भी ये काम किया है, जरूर उसी ने मजबूर किया होगा उसको लिफ्ट में जाने के लिए। राघव, यामिनी। हाँ हर्ष। यहां पर मिट्टी का निशान कुछ अलग है। ये देखो, यहां पर मिट्टी है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, फिर यहां पर नहीं। मिट्टी के निशान फिर यहां से शुरू होते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर और वहां पर है। मिट्टी के निशान वहां पर हैं और वहां पर, लेकिन यहां इस एरिया में मिट्टी के निशान बिल्कुल नहीं। मतलब कि अगर ये कोई इंसान है जो चलते चलते हर कदम पर मिट्टी फेंकता है, तो उसने यहां पर इस एरिया में मिट्टी क्यों नहीं फेंकी? इंसान है तो खून करने के बाद मिट्टी क्यों फेंक रहा है? ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई शक्ति है जो अचानक कहीं से पैदा हो गई है।
और अगर ये कोई शक्ति है तो उसके आने से मिट्टी आती है, राइट? लगता तो ऐसा ही अमनी, जहां जहां ये शक्ति जाएगी वहां ये मिट्टी आएगी। हमें तो लगा कि मैडम इसलिए घबरा गई क्योंकि लिफ्ट अटक गई, पर वहां जाके देखा तो आंखों के सामने से जाता ही नहीं था। बार बार वही चेहरा दिखता था, वो पटी पटी सी आंखें, ऐसा भयानक हो गया था मैडम का चेहरा। सृष्टि ने फोन किया था मुझे, मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो इस तरह चिल्ला रही थी मानो जैसे कोई भयानक आत्मा उसका पीछा कर रही थी। लाश के आसपास घास मिट्टी पड़ी हुई थी, हर जगह पे मिट्टी ही मिट्टी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 3 दिन में 5 खून हो गए, 5 खून, मुंबई, केरला, सिक्किम, पंजाब, हर जगह वही घास वही मिट्टी। सबको मारने का एक ही तरीका। हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जल्दी से मौत को गले लगाओ, मरने के बाद हमारे पास आओ। डरो मत, ये तो यहां होता ही रहता है। अगर किसी इंसान का काम होता ये तो मैं बोलता नहीं तुम लोगों को शूटिंग करने के लिए। मुझे वो शक्तियां चाहिए। ये जितने लोग मरे हैं ये सब एक दूसरे को जानते हैं। इसी शक्ति ने मारा है मोहन को। मोहन के घर जाओ। मोहन के जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कितने बुरी तरह से मारा उसे, लेकिन मिट्टी घास ये सब एटीएम में कहां से आए? आंटी आंटी हमें लगता है कि कोई अजीब शक्ति है। ये फोटो देखी तुमने? Oh my God. क्या हुआ? ये तो मोहन के दोस्त हैं। लेकिन आंटी, ये विमी, ऋत्विक, ये लोग मर चुके हैं। क्या? ये सब, सब मर गए? हाँ। Oh my God. आंटी, ये लड़की कौन है? ये तो प्रियंका है। प्रियंका? ये मोहन इससे कल मिलने वाला था। कल मिलने वाली थी? ये प्रियंका रहती कहाँ है आंटी? विकास, विकास तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। 5 मिनट विकास, यू नो मेरी क्या हालत हो रही। मैं घर में अकेली नहीं रह सकती विकास, प्लीज प्लीज कम और मुझे यहाँ से बाहर ले चलो विकास, प्लीज। ओके, लव यू टू, जल्दी आना, बाय। कौन है? Thank you.
कोई नहीं है। अच्छा, हवा बहुत तेज चल रही है। प्रियंका की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने तो कहा है कि वो ठीक हो जाएगी। अगर विकास वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं हमारी बच्ची का क्या होता। विकास प्रियंका का मंगेतर है, बहुत अच्छा लड़का है। उसे भी काफी चोटें आई हैं, इस वक्त वो भी कोमा में है। ओह, मेरे ख्याल से शायद विकास ने ही प्रियंका की जान बचाई है। आप लोग तो जानते होंगे कि प्रियंका के दोस्तों पर इसी तरह के हमले हुए हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पता है, न जाने कौन है ये आदमी जो इन बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। हमें लगता है ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई शक्ति है। शक्ति जो एक एक करके प्रियंका और उसके दोस्तों को निशाना बना रही है। आप कैसे कह सकती हैं कि ये शक्ति है? हम इन्हीं बातों की रिसर्च करते हैं। पर हमारे बच्चे क्यों? शायद प्रियंका और उसके दोस्तों के साथ पहले कुछ हुआ होगा। कोई ऐसी घटना आपको याद है जो उनके अतीत से जुड़ी हो? ऐसी किसी घटना के बारे में तो हम जानते नहीं। मोहन और प्रियंका कॉलेज के अच्छे दोस्त थे, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ महीनों से उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कॉलेज जाना बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया था ये तो पता नहीं, बहुत पूछा हम लोगों ने, लेकिन प्रियंका ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। कौन सा कॉलेज है ये? इप्सिता स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। एक्सक्यूज मी, आप दोनों जरा मेरे साथ अंदर आइए प्लीज। जी, एक्सक्यूज अस, चल रहेगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम दोनों वहां जाके देखो। यहाँ पे क्यों? प्रियंका की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हो सकता है कि वो अनजान शक्ति फिर से आकर उसे खत्म करने की कोशिश करे। शायद मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूं। अगर वो अनजान शक्ति कैमरे में दिख जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। हर्ष, राघव, ओह माय गॉड, बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए, वरना मॉम और डैड को पता चल जाएगा कि मैं कॉल सेंटर में काम नहीं करती हूँ। मैं घर चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास।
मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे पास आ जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चली जाओ यहाँ से। आ जाओ मेरे पास। चली जाओ यहाँ से। तुम्हें आना ही होगा। जाओ। यामिनी बेटा। यामिनी, दरवाजा खोलो बेटा। क्या बात है बेटा, इतनी रात हो चुकी है, चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं। वो रूम में कॉकरोच था, इसलिए चीख निकल गई। रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम थी कहाँ अभी तक? 2:30 बज गए? ओह, I'm so sorry, आज पता ही नहीं चला। वो ऑफिस में काम ही इतना था, इसलिए लेट हो गई। तुम्हारा ये कॉल सेंटर का जॉब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। मैंने तुमसे बात, प्लीज अभी आई है, थकी हुई है, थोड़ा सा आराम तो करने दो उसे। यू रिलैक्स बेटा। ठीक तो हर्ष, तुम्हें दिखी वो आत्मा? हाँ, उसका हाथ देखा था। हाथ? हाथ? हाँ, मिट्टी और घास की बदबू आ रही थी उससे। मिट्टी और घास की बदबू? कॉरिडोर पे भी मिट्टी बिखरी पड़ी है और घास भी है। और उसके कपड़े? कैसे कपड़े? अजीब सा स्कार्फ पहना हुआ था उसने और एक कोट पहना हुआ था। एक बात तो साफ है, मार तो वो सिर्फ कुछ ही लोगों को रहा है, तभी तो उसने तुम्हारी और विकास की जान नहीं ली। अब तो कॉलेज में जाकर ही पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। प्रियंका, मोहन वगैरह सब इसी हॉस्टल में रहते थे शायद? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, शायद वार्डन मैडम को मालूम होगा। कहाँ है वो? वो तो कुछ बोलती ही नहीं, पत्थर की तरह चुप रहती है, चुप। कोई बात नहीं, हम फिर भी उनसे मिलना चाहेंगे। नीनू, नंदिनी जी, ये कुछ बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना मुझे किसी से, नहीं मिलना। कह दो उनसे चले जाए वहां से, चले जाए। प्लीज मैडम, दरवाजा खोलिए, हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है।
ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज दरवाजा खोलिए। देख लो। क्या है जी? वो 2007 में यहाँ पे प्रियंका नहीं पता। नहीं, नहीं। नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना। सबको आराम की नींद सुला दिया, सबको आराम की नींद सुला दिया उसने। उसने? किसने? जाके पूछो उसी लड़की से, उसी ने कहा होगा उसे ऐसा करने के लिए। सबको मरवाएगी वो, सबको। कौन लड़की? श्यामा। श्यामा? श्यामा नाम था उसका। नहीं नहीं आई थी कॉलेज। यहाँ का जो मेडिसिन का कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की, बेचारी को मुर्दा घर में बेच दिया। कहा कि मुर्दों के पैर पे से नंबर निकाल के ला। बेचारी गई। वह जो हुआ उसके साथ, वो मरती मरती बची। कहाँ है श्यामा? आप जानती है वो कहाँ है? फैशन डिजाइनर बन गई है वो। कहाँ पे? भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मार देगी वो सबको, भाग जाओ। मतलब श्यामा ही ये सब करवा रही है? हाँ, मगर कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति है जो श्यामा के लिए काम कर रही है? चलो। Nani ji!
तो मर गई है, यहां पर भी वही मिट्टी और घास है। इस श्यामा से तो मिलना ही चाहिए, अब वही बताएगी इस शक्ति के बारे में। मैम, आपको कुछ लोग पूछ रहे। मैं भी आई। हाय, मैं श्यामा हूं। आप लोग मुझसे ही मिलने आए हैं ना? वैसा ही स्काफ। वैसे ही कपड़े। इश्पिता इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, नाम तो सुना होगा आपने। कौन है आप लोग? उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, मोहन, ऋत्विक, प्रियंका और स्वाति। ये सब आपके सीनियर्स थे, राइट? इन सब को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। मार दिया? माना के रागी के नाम पे आपके साथ जो कुछ भी हो रहा ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कौन ले रहा है तुम्हारे अपमान का बदला? ऐसी कौन सी शक्ति है, आत्मा है, जो तुम्हारे कहने पर ये सब कर रही है? आत्मा? देखिए, ना तो मैं आत्माओं में मानती हूँ और ना ही कोई आत्मा मेरे लिए बदला लेगी। उसके कपड़े देखे हैं मैंने। किसके? उस शक्ति के, जो मौत पे मौत बांट रही है। इसी तरह के कपड़े पहने थे। किस तरह के? जैसे कि तुमने पहन रखे, गले में ऐसा स्कार्फ, इसी स्टाइल के कपड़े। ऐसे कपड़े तो 6 महीने पहले मैंने अपने फार्म हाउस में छोड़े थे, पनवेल में। ओ, फार्म हाउस में। अब समझ में आया कि वो घास और मिट्टी कहां से आती थी। श्यामा, एक मिनट काम है। एक्सक्यूज मी। पूरी बात पता ही नहीं, छिपा गई सब कुछ। मुझे लगता है कि ये सब यही करवा रही है। हमें इसके फार्म हाउस पे जाना चाहिए, शायद वहीं पे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ।